चलिए सर। जंबो यार टेबल लगा जल्दी फटाफट। लेकिन मैंने तो सुना है कि उनकी मौत खुदकुशी नहीं थी। जब से मैंने ज्ञान जी की फिल्म साइन की है मेरे साथ दो हादसे हुए हैं और दोनों हादसों में मैं मरते मरते बचा हूँ। अरे तेरा ये जो डायरेक्टर है क्या नाम है इसका? जी विशाल दत्त। अरे हाँ जो भी है जो भी है। तुम उस फिल्म में काम मत करो। क्या? वो खुदकुशी नहीं थी, कत्ल था, कत्ल। वो कत्ल था, कत्ल था, कत्ल था। लेकिन उषा जी ये कत्ल कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त फ्लोर पे आपके सिवा और कोई मौजूद नहीं था और पुलिस की तहकीकात में भी ये साफ हुआ था कि बिजली के करंट से सिर्फ आपके दाहिने हाथ पर काला निशान था, आपके शरीर पर कुछ नहीं था। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो नजारा देखा वो सभी तो यही था। ज्ञान जी आपने जो देखा वही दुनिया समझ रही है और वही पुलिस समझ रही है, मगर दुनिया और पुलिस इसे इसीलिए खुदकुशी समझ रही है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा है कि मैं मां बनने वाली थी। उषा जी इसी बात से तो मैं भी हैरान हो गया था। मुझे लगा कि दुनिया से बदनामी के डर की वजह से आपने अपनी जान दे दी। ये सच नहीं है ज्ञान जी, सच्चाई आपको मैं बताती हूँ। आपको याद है ज्ञान जी उस दिन मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस आई थी? मैं क्या चिल्ला रमानी जी, आप किसी भी तरह की कोई भी टेंशन मत लो। आइटम सॉन्ग बहुत बढ़िया बना जी, बस ये कल रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ जी बस आप ये समझो जी कि रिकॉर्ड होते यूपी भी आटो क्लोज हो गया हमारा। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ जी, जय माता दी। हेलो ज्ञान जी। आओ जी आओ उषा जी आओ, नमस्ते। मैं कह जी आज ईद का चंद क्यों निकल आया? क्यों मेरे यहाँ पर आने पर कोई एतराज? लो जी पतझड़ जो बाहर है ये की इतराज हो सकता है? बैठो बैठो बैठो। मैं कह जी अगर कोई पेमेंट का लफड़ा होता तो आप अपने सेक्रेटरी को भेज देते, आपने आने का कष्ट क्यों किया जी? अरे नहीं नहीं ज्ञान जी ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी इस इंडस्ट्री में आप जैसे प्रोड्यूसर बहुत कम है जो इस मामले में आर्टिस्ट को बिल्कुल परेशान नहीं करते। जी उषा जी हमारी इंडस्ट्री में आप जैसे आर्टिस्ट भी बहुत कम है। अब देखो ना एक तरफ आप और दूसरी तरफ हमारे वो हीरो वीर कुमार जी, अगर उनका आपस चलता ना तो वो सारी पेमेंट एक ही बार में वसूल लेते। एक बात है ज्ञान जी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने इस रोल के लिए सुधीर जी को रॉन्ग कास्ट किया है? बात तो आपकी ठीक है उषा जी, पर अब मैं करता क्या? आपको याद है ज्ञान जी मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था एक नया लड़का है आलोक, कमाल का एक्टर है, आप उसे लीजिए। उषा जी सोचा तो मैंने भी आप ही के बारे में था, पर फिर मुझे लगा कि आप एक न्यू कमर के साथ काम करती हैं कि नहीं करती हैं, और दूसरी तरफ अपने सुधीर कुमार जी तो एस्टैब्लिश हीरो हैं। पर अब पछताए क्या होते जी, जब चिड़ी हो चुकी खेत। खैर जो होना होता है वही होता है, अब कुछ कर तो सकते नहीं है। अच्छा ज्ञान जी मैं चलती हूँ। कोई शूटिंग उठी गया आज? हाँ वो शूटिंग है ना प्रेम किशन जी की कलियों का चमन, उसमें अच्छा, वही हीरो है आलोक। अच्छा अच्छा ज्ञान जी अब मैं चलती हूँ, बाय। जय माता दी। उषा जी उषा जी क्यों आया, क्यों आया उषा जी, क्या बात है ज्ञान जी? उषा जी आर यू ऑलराइट? अचानक क्यों हो गया तुहानू? वो ज्ञान जी चक्कर आ गया था, आई एम ओके। वो एक्चुअली काफी दिनों से डे नाइट शूटिंग करके ना नींद पूरी नहीं हुई इसीलिए। उषा जी मेरी सलाह मनो तो ये दो दो तीन तीन शिफ्टों का काम बंद कर दीजिए, आप एक ही शिफ्ट में काम किया करो। ओ जी माता रानी का देता हुआ आपके पास बहुत पैसा है, एक गल कमा जान है ते जहान है बस। आप ठीक कह रहे हैं ज्ञान जी, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा मैं चलूं? अच्छा जी चलो। उषा जी पक्का कोई जरूरी काम तो नहीं था मेरे साथ? हाँ हाँ ज्ञान जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपका ऑफिस रास्ते में पड़ता था तो सोचा होती चलूं। सो नाइस ऑफ यू जी, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखो, अगले हफ्ते तो हमारी शूटिंग है। आप बेफिक्र रहिए आपकी डेट्स को कोई नहीं हिला सकता। थैंक यू जी। अच्छा ज्ञान जी। अच्छा जय माता दी। नमस्ते उषा जी। नमस्ते। अरे
प्रभाकर, क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? अरे उषा जी, आपको किसी ने खबर नहीं दी, शूटिंग कैंसिल हो गई। क्यों, क्या हुआ? अपने वो गोल्डी साहब नहीं रहे। कब? अभी अभी खबर आई। ओह, वेरी सैड। खैर, आलोक कहाँ पर है? अंदर है, शायद आपसे मोबाइल पे बात हुई। हाँ, आपका ही वेट कर रहे हैं, मेकअप रूम में। ठीक है। हाय आलोक। हाय माय लव। पता है, आज मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। नहीं आती। अगर गोल्डी साहब की डेथ की खबर मुझे पहले मिल जाती। आई नो, वेरी सैड। चलो बैठ के बात करते हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू आलोक। अब तुम जल्दी से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। अरे, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। आज जो कुछ भी मैं हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। जितना भी काम मुझे मिल रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर रिकमेंडेशन। देखो आलोक, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, इसीलिए मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है। और हाँ, तुमने तो साबित भी कर दिया है। फिर भी उषा, अगर सामने कश्ती है तो इंसान तैर के जाने की बेवकूफी तो नहीं करेगा ना, है? देखो आलोक, मैं फिर तुमसे कहती हूँ, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, इसीलिए मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है। और बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम्हें दिल में भी जगह दे दी है। वरना तो लोग उषा का हाथ पकड़ने को तरस जाते हैं। शुक्रिया करम, मेहरबानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आलोक, मैंने तुम्हारी तरफ दो कदम बढ़ाए हैं, अब तुम भी मेरी तरफ दो कदम बढ़ाओ। हाँ, क्यों नहीं। कहो, कितने कदम बढ़ाना है? आलोक, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये एक और एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। तुमने मुझसे दोस्ती की, मैं इस काबिल नहीं था। और अब शादी करना चाह रही हो, मैं इस काबिल नहीं हूं। तुम किस काबिल हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं। बोलो ना, मुझसे शादी करोगे ना? मैडम, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। बड़े ताजुब की गल है, बात शादी तक पहुंच चुकी थी। ज्ञान जी, उसने जिस अंदाज से वो बात कही थी, मैं उसका मतलब समझ नहीं पाई। उसका दिल कुछ कह रहा था और जुबान कुछ। अगली पार्टी मैं अपने फार्म हाउस पर दूंगा। विकास जी, प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। हाय, आई होप यू एंजॉयिंग द पार्टी। अरे मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुना? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी तो तुम्हारा करियर शुरू हुआ है और तुम हो कि अपने से बड़ी उम्र की हीरोइन उषा से शादी करोगे। उषा, जरा सोचो आलोक। एक्सक्यूज मी। वो ठीक कह रहा है, तुम्हारे जो इतनी सारी फैंस हैं, उनमें औरतें और लड़कियां ही अधिक हैं, उनका तो दिल ही टूट जाएगा। वो तो तुम्हारी फिल्मों पर थूकेंगे भी नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? देख यार आलोक, जैसा मैं बोलता हूं वैसा कर। अभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी उषाएं आएंगी और ये दुनिया बड़े मतलब की है यार। वो अपना डूबता हुआ करियर बचाने के लिए तेरे साथ शादी करना चाहती है। और तू भी सोच, जिस नाव में छेद हो चुका है उस नाव में अगर सफर करेगा तो डूबेगा ही डूबेगा। जीवन, व्हाट डू यू से? बॉस, आप तो आप एक काम कीजिए, वो कलियों का चमन के प्रोड्यूसर को फोन करके बोलो कि वो अपनी पिक्चर से उषा को निकाल दे, नहीं तो आप काम नहीं करोगे। आलोक साहब, अपन भी पुराना आदमी इंडस्ट्री का, अपन ने बहुत जमाना देखा है। अरे वो उषा जी कौन सी दूध की धुली है?
पांच हीरो तो बदल चुकी है। देखो साहब, अपन चमचागिरी नहीं करता। आलोक साहब, सेट के ऊपर दारू। प्रभाकर, आज मैं सारी चीजें भूल जाना चाहता हूं। यह भी भूल जाना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में उषा मोहिनी नाम की एक लड़की भी आई थी। देख प्रभाकर, मैं मानता हूं कि आज जो कुछ भी मैं हूं उषा की वजह से हूं, लेकिन कल जब तुम लोगों ने मुझसे कहा कि उससे शादी मत करो, तो यार मैं सोचने पे मजबूर हो गया। मैं चाहता हूं कि ये आलोक नाम हर घर में गूंजे। आलोक, आलोक, आलोक। लेकिन अब ये It's not possible. ऐसा क्यों बोलते हो साहब? आप एक दिन जरूर चमकेंगे, एकदम सूरज के माफिक। यही तो डर है प्रभाकर, कि कहीं सूरज को ग्रहण न लग जाए। ऐसा मत सोचो साहब, मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता। क्या कर सकता है मेरे लिए? मैं आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। तेरी जान देने से मेरा कैरियर थोड़ी बचेगा। मेरा कैरियर तो तब बचेगा जब उषा मोहिनी को मेरे रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये तो और भी आसान है साहब। आसान तो है प्रभाकर, लेकिन समझदार कातिल वो होता है जो मारने से पहले बचने की तैयारी कर ले। प्रभाकर, कुछ ऐसा गेम बना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साहब, मैंने एक प्लान सोचा है। या? क्या उषा मैडम अभी इसी वक्त यहां आ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। और वो कहीं शूटिंग पे हो तो? है एक चिंगारी मेरे पास जो उषा के तन बदन में आग लगा देगी। लेकिन प्रभाकर, ये राज सिर्फ दो सीनों में दफन होना चाहिए, समझा? तो समझो साहब, आपके तरक्की के रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए चला गया। गुड। प्रेम जी, आलोक बोल रहा हूं। दीदी, आप बार बार बालों में स्प्रे मारती है जिसकी वजह से आपके बाल रूखे और बेजान हो जाएंगे। और हाँ, कल होली का गाना भी है, आपके बाल तो एकदम उलझ जाएंगे। इस उलझन की सुलझन है मेरे पास। मैडम, आपसे मिलने प्रेम साहब आए हैं। ठीक है, आप उन्हें बिठाइए, मैं अभी आती हूँ। ओके। ये तरह यहाँ से ठीक करना। नमस्ते उषा जी। नमस्ते प्रेम जी। आप शूटिंग के लिए तैयार हो गई और मैं आपको डिस्टर्ब करने आ गया। नहीं नहीं, मैं आपके 5 मिनट लूंगा सिर्फ। नहीं नहीं, आपको तो पता है कहीं शूटिंग पे जाना हो तो मैं घर से ही तैयार होकर निकलती हूँ। बैठिए ना। थैंक यू। अरे प्रेम जी, आपने अचानक यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? मैंने तो आपकी सारी डेट्स कंफर्म कर दी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उषा जी, आपने इस इंडस्ट्री में न जाने कितने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आपकी मेहरबानी से न जाने कितने लोग प्रोड्यूसर, कितने लोग डायरेक्टर बन गए, कितने नए लड़कों को आपने हीरो बना दिया। उषा जी,
आज मैं भी मंझधार में फंस गया हूं। प्लीज आप मेरी नैया भी पार लगा दीजिए। ऐसी भी क्या बात है प्रेम जी, बताइए ना। अगर पेमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे सेक्रेटरी के साथ बैठकर सॉल्व कर लीजिए। और हाँ, मैं शूटिंग की डेट्स आगे नहीं करूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टॉलमेंट्स अगले शेड्यूल में मुझे दे दीजिएगा। नहीं नहीं उषा जी, जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज, मैंने इस लेटर में सब कुछ लिख दिया है। प्लीज इसे पढ़कर आप जो भी फैसला करें मुझे। देखो, ये क्या है प्रेम जी, आपने ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे की? आप भूल गए क्या, आपके फिल्म का सारा सेटअप मैंने कराया था। नहीं उषा जी, मैं कुछ नहीं बोला हूँ। तो फिर ये क्या है? उषा जी, मेरी मजबूरी ये है कि मैंने जब आपके कहने से आलोक को साइन किया था तो वो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज 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 क्या? उषा जी, अगर आज वो मेरी फिल्म छोड़ देता है तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। क्या इसका मतलब? आलोक? हाँ हाँ, आलोक ने मुझे धमकी दी है कि मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी फिल्म छोड़ दे। हाय हाय मेरे रब्बा। खुशा जी, ये सब जानने के बाद तो मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ज्ञान जी, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टूडियो पहुंची, पैकअप हो चुका था, सब जा चुके थे, आलोक और प्रभाकर स्टूडियो में ही थे। मैं सीधी जाकर आलोक से मिली। यू डर्टी स्वाइन, तुम क्या हो? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम मुझे इस फिल्म से निकलवा रहे हो जो फिल्म मैंने तुम्हें दिलवाई। एहसान फरामोश, तुम वो सारी बातें भूल गए जो तुम्हारे और मेरे बीच हुई थी, वो प्यार, वो इकरार, वो वादे। बस उषा बस, तुम बहुत बोल चुकी, अब मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारा कैरियर इस वक्त डाउनफॉल पे है और मेरा कैरियर पीक पे है। अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? और मेरा मेरा क्या होगा, उस आने वाले कल का क्या होगा जिसके जिम्मेदार तुम हो? हाँ, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम भी बराबर के जिम्मेदार हो। और पता नहीं इस बहती नदी में किन किन लोगों ने अपने हाथ धोए हैं। आज तक मुझे कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, शायद तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा कैरियर बना सकती हूँ तो उसे खत्म भी कर सकती हूँ। और मैं अभी वही करने जाऊंगी, अभी इसी वक्त इसी स्टूडियो में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी। अगर मैंने भी तुम्हें कौड़ी कौड़ी का मोहताज ना बना दिया तो मेरा नाम भी उषा मोहिनी नहीं। मैं जानता था कि तुम ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है। क्या किया है तुमने? मैं अभी फोन लगाती हूँ, मैं खुद जाके बताऊंगी। प्रभाकर, क्या करना चाहती हो तुम? रुक जाओ वहीं पर, मैं कहती हूं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो तुम लोग? रुक जाओ वहीं पर।
आगे आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। रुको, नहीं, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अरे तुम्हें छोड़ दिया तो दुनिया को पता लग जाएगा ना। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं तो चिल्लाकर सबको इकट्ठा करो। हाँ, चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी आवाज सुनने वाला। हाँ? छोड़ मुझे। प्रभाकर, चलो मैडम को ले चलो। नहीं, छोड़ दो मुझे कमीनो, कमीनो छोड़ दो मुझे। मुंह पकड़, मुंह पकड़, छोड़ो। हेलो, छोड़ो प्रभाकर, बचाओ, छोड़ो मुझे, कमीना छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, आलोक जी, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैदान बिल्कुल साफ है, यहाँ हमारे और आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। चलो। और इस तरह आलोक और प्रभाकर ने मिलकर मेरी जिंदगी खत्म कर दी, मेरे साथ साथ उस नन्ही सी जान को भी खत्म कर दिया। ज्ञान जी, उस प्रभाकर से तो मैंने अपना बदला ले लिया, वो भी उसी बिजली के शॉक से मरा, और उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन लेकिन ज्ञान जी, लेकिन ज्ञान जी, असली हत्यारा तो अभी तक जिंदा है, आलोक अभी तक जिंदा है। वो एक ऐसी गंदी मछली है जो सारे तालाब को गंदा कर देगी। ज्ञान जी, अगर वो जिंदा रहा तो न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ज्ञान जी, मैं आपको सिर्फ इसीलिए परेशान कर रही हूं क्योंकि मैं आपसे मदद चाहती हूं। उषा जी, आलोक की सच्चाई जानने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर मेरे को अपनी फिल्म को स्क्रैप भी करना पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बताइए आप, बताइए आपको मेरी किस तरह की मदद चाहिए? मैं चाहती हूं कि उसको ऐसी मौत मिले जैसा अन्याय उसने मेरे साथ किया है। आलोक जैसे जलील इंसान को उसके पाप की सजा दिलाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं आपको बताती हूं कि मैं क्या करूंगी और आपको क्या करना है। चेला रमानी, हेलो। चेला रमानी, ये फोन की घंटी नहीं, खतरे की घंटी है। कौन कौन बोलता है? अरे बाबा, ये तो उषा मोहिनी की आवाज है। अरे पापा, ये क्या हो रहा है? अरे Thank you.
अरे उषा मोहिनी, अरे मेरे को माफ कर दो, अरे मेरे को माफ कर दो, अरे मेरे को तुम जो पहले बोला मैं वैसा ही किया ना, अरे उषा मोहिनी, अरे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, अरे बाबा मेरे से कोई गलती नहीं हुआ ना। चेला रमानी, तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से बिना नुकसान पहुंचाए चली जाऊंगी। बोलो बोलो, अरे जो तुम बोलोगी मैं करेगा। तुम आलोक की कितनी फिल्मों को फाइनेंस कर रहे हो? अरे आलोक जिन फिल्मों में काम कर रहा है मैं सारी फिल्मों को फाइनेंस कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है, उन सारे प्रोड्यूसरों को जाकर कह दो अगर आलोक ज्ञान प्रकाश की फिल्म में काम नहीं करेगा तो वो उसे फिल्म से निकाल देंगे। अरे तो आलोक क्या ज्ञान प्रकाश की फिल्म में काम नहीं करेगा? नहीं, वो ज्ञान प्रकाश की फिल्म में काम ही नहीं करना चाहता और ना ही निहारिका को काम करने दे रहा है। अरे तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अरे मैं अभी आलोक के घर पे जाता हूँ और उसका अकल ठिकाने पे लगाता हूँ। अरे बस इतने करने का है या कुछ और भी करने का है, बोलो। नहीं नहीं, बस इतना ही करना है और जल्दी करना है। हाँ हाँ, जल्दी करूंगा जल्दी करूंगा। निहारिका इतना मत सोचो, ज्ञान प्रकाश को फोन करो और ये कहो कि तुम उसकी फिल्म नहीं कर रही हो, बस। ओके आलोक, मैं फोन करती हूँ ना। हेलो। ए चोकरी, फोन नहीं करने का वरना बैंड बजा देगा तेरा। अरे सर बिल्कुल सही मौके पे आए आप। अरे काहे का सही मौका, अरे तू अपने आप को क्या समझता, क्या समझता तू? लेकिन सर क्या बात क्या हुई है? अरे बात क्या हुई है, अरे अभी तो तू पैदा भी नहीं हुआ, अंडे के अंदर चोंच मार रहा है, तेरे फल दिखलाए। सर लेकिन मैंने किया क्या है? मेरे से पूछता है कि तूने क्या किया है? अरे इस छोकरी को भड़काता है कि ज्ञान प्रकाश की पिक्चर में काम नहीं करेगा। सर ये आपसे किसने कहा? मेरे से खाली छोड़ने का, पानी अच्छा चल रहा। हाँ सर सच है, लेकिन आप ही सोचिए। अरे मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है। अरे तू जिस प्रोड्यूसर के यहाँ काम कर रहा है ना, मैं किसी को फाइनेंस नहीं करेगा। मैं अभी फोन करता हूँ। अरे सर सर प्लीज, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। सर बहुत सारे सपने लेके मैं मुंबई आया हूँ सर। यही तो देखने का है मेरे को कि तू मुंबई में कैसे रहता है। अरे तेरे को फुटपाथ पे लाके नहीं खड़ा कर दिया ना, तो मेरा नाम भी चेला अडवाणी नहीं चेला अडवाणी। हाँ अरे सर सर प्लीज प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। अरे जो दूसरों को बर्बाद करता है ना, वो खुद भी बर्बाद हो जाता है। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तू ज्ञान प्रकाश की शूटिंग में नहीं गया, फिर मतलब है कि तू दोनों ज्ञान प्रकाश की शूटिंग में नहीं गए ना, तो मैं तुम दोनों का करियर खत्म कर दूंगा, समझे? चल स्टॉप। ए छोकरे इधर इधर। बड़ी फिल्म लाइन में आने से पहले तुम क्या करता था? जी नाइट क्वीन क्लब में डांस करती थी। हाँ नाइट क्वीन क्लब में डांस करती थी और बियर बार में भी डांस करती थी, मेरे को सब मालूम है, उधर ही पहुंचा देगा, समझा? और सुनो हीरो। अरे सर सर पहुंच जाएंगे हम लोग शूटिंग। अरे तो मेरे पे क्या मेहरबानी करेगा, पहुंच जाएगा, बात करता है मेरे साथ हूँ। पांडो एक बेबी लगा वहाँ पे। क्या है निहारिका जी, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मेरी अगली फिल्म की हीरोइन आप ही होंगी। रियली? सच्ची जी, प्रॉमिस है। थैंक यू। हाथ लगा दे, आइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। समझा दूं आपको मैं, हीरोइन यहाँ खड़ी है। अरे सर जी यार प्लीज, हीरोइन यहाँ खड़ी है बैक टू कैमरा। हीरो राइट ऑफ कैमरा से एंटर करता है, उसे अपनी बाहों में लेता है, यहाँ से चलने लगता है। आप मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ। यहाँ से चलने लगता है, फील क्लियर यार, यहाँ से चलने लगता है। आप उसे फॉलो करने लगते हैं, यहाँ से पैन करना शुरू करते हैं और यहाँ से निकल कर लड़की को वो यहाँ लेकर आता है। वेरी गुड। और सामने बोर्ड देख रहे हैं आप? हाँ जी। 440 वोल्ट। हाँ। उस स्विच बोर्ड पे लड़की को फेंकता है, लड़की को शक लगता है, समझ गए आप सर? वेरी गुड। आप भाई आलोक जी को जल्दी बुलाओ भाई। ए राजू एक मल्टी डाल लेना जल्दी। मेरे ख्याल में ये लड़का उस सोर्ड फाइटिंग वाले सीन के लिए फिट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आलोक जी। गुड मॉर्निंग सर। इसी रोल के लिए ओके सर। विशाल जी ये सीन तो फिल्म में था ही नहीं। हाँ वो कल रात में अचानक राइटर के साथ बैठ गया, मुझे सीन बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा ऐड कर लो। लेकिन इसमें तो साफ पता चलता है कि मैं हीरोइन को मारने वाला हूँ। हाँ वैसे लगता है, लेकिन एक्चुअली हीरोइन के माइंड में ये बातें पक रही है, उसका इमेजिनेशन ही। लेकिन ये कॉस्ट्यूम ड्रामा में ये स्विच बोर्ड और ये 440 वाट्स करंट ये सब आलोक जी लॉजिक जो है कॉमेडी फिल्म में नहीं होती भाई। जब ऑडियंस कॉमेडी पिक्चर देखने जाती है तो लॉजिक घर छोड़कर आती।
अब देखिए ना, जब आप उस लड़की को मतलब हीरोइन को स्विच बोर्ड पे फेंकते हैं तो उसे शौक लगता है। हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के स्पेशल इफेक्ट्स में जाते हैं और दिखाते हैं कि लड़की 21वीं सदी में पहुंच गई बस। तो आप शॉट समझ गए, लड़की यहाँ खड़ी है बैक टू कैमरा, उस तरफ देख रही। आप राइट ऑफ कैमरा से एंटर करते हैं, लड़की को उठाते अपनी बाहों में, प्यार भरे नजरों से उसे देखते हुए उठाकर वहां ले जाते हैं। लड़की को कुछ नहीं पता, आप उसे वहां ले जाते हैं, देख रहे हैं आप, और वहां से चलते हुए कैमरा आपको फॉलो करेगा और आप लड़की को स्विच बोर्ड पे फेंक देंगे। ओके ओके, सिंपल। तैयार है आप? या एब्सोल्युटली। भाई लड़की को बुलाओ जल्दी। अच्छा ये देखो, ये आज सुबह शाहरुख का एसएमएस आया था, मुझे पढ़ो तो जरा। शाहरुख खान? हां जी, दिल्ली से अपना बताया। अरे अच्छा अच्छा ओ माय गॉड, बात करा दूंगा जी शाहरुख से, आप शार्ट दे लो तब तक। थैंक यू सो मच। चलिए आप दोनों का रिएक्शन जाएगा सर, कभी उनका क्लोज जाएगा, कभी आपका क्लोज जाएगा, फिर हम एक डेड क्लोज मारेंगे उस बोर्ड का 444 जब आप उन्हें उस। हां गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाय। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी लग रही है आप। थैंक यू। तो मैं आपको सीन समझा दूं? हाँ जी। वैसे तो आपने सीन पढ़ लिया। देखिए आप यहाँ खड़ी हैं, कैमरा बैक टू कैमरा आपका, उस तरफ देख रही हैं। आलोक जी राइट ऑफ कैमरा से एंटर करते हैं, आपको प्यार भरी नजरों से देखते हैं, बाहों में लेकर उठाकर उस तरफ ले जाते हैं और बोर्ड पे दे फेंकते हैं। क्लियर? ओके ओके। आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं। तो है आप? हाँ मैं ठीक हूँ। तो एक रिहर्सल कर ले, व्हाट यू से? या सर। ओके चलिए फुल लाइट्स, चलो भाई जल्दी जल्दी, फील क्लियर भाई, फील क्लियर जल्दी, कम ऑन। मैडम आप यहाँ पे आइए, आइए आलोक जी, यू विल एंटर, आइए। ओके आइए, चलो सारे एवरीबॉडी आर रेडी सर, आलोक जी रेडी, मैडम रेडी। ओके स्टार्ट साउंड रोलिंग, कैमरा 10x1 टेक 1 एक्शन। महारानी, आज हम आपको अपनी बाहों में उठा के शयन कक्ष में ले जाएंगे। कट 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 कट। नहीं आप ठीक थी आलोक जी, क्या कि आप महारानी की तरफ बड़े चले आ रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों में वो मोहब्बत, वो प्यार, वो पैशन नहीं है, और जैसी आप चले आ रहे हैं वो गेट और आपकी जो लाइंस है वॉकर लाइंस वो मैच होनी चाहिए। थोड़ा एक और ट्राई कर ले। ओके ओके लेट्स ट्राई, लेट्स डू बेटर, आई एम श्योर वी विल। ओके वन मोर, वन मोर, चलिए रेडी आलोक जी। यस सर। साइलेंस, टच डाउन, रोलिंग, कैमरा 10x1 टेक 2 एक्शन। महारानी, आज हम आपको अपनी बाहों में उठाकर शयन कक्ष ले जाएंगे। कट, वेरी गुड सर, वेरी गुड आलोक जी, एक्सीलेंट शॉट आलोक जी, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। अभी आगे बढ़े। हाँ। इसके बाद जो है, आपने उनको बाहों में लिया, यहां से लेते हैं बाहों में उठाकर और उस तरफ घूम जाते हैं, फिर उसके बाद स्विच बोर्ड की तरफ जाना है आपको, उस तरफ। चलिए। हाँ जी सर, प्लीज। हाँ जी, स्टार्ट ऑन कैमरा एंड एक्शन। उषा तुम? अरे क्यों है भाई, क्यों क्यों है? अरे भागो जल्दी भागो, क्या हो गया? देख जरा उषा, उषा मारेंगे, उषा
उषा, उषा, उषा तुम? हाँ मैं। विशाल जी चलिए ना, I'm ready, come on। हाँ उषा, मोहिनी, निहारिका, निहारिका, अरे निहारिका, निहारिका, या यार ये नू उषा, उषा मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो उषा। क्यों? अब तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ाने लगी? ऐसे ही स्विच बोर्ड पर जब तुमने मुझे फेंका था तब तो तेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई थी। तुम हुक्कर्स ही नहीं, नीच और कमीने भी हो। अरे तुमने तो अपने कैरियर के सामने दोस्ती, मोहब्बत और इंसानियत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तुम इंसान से जानवर बन गए, एक खूंखार जानवर। मेरी हत्या की, मेरे साथ साथ मेरे पेट में पलने वाले तुमने अपने बच्चे की भी हत्या कर दी। और तू क्या समझता है मेरी हत्या खुदकुशी बनकर रह जाएगी? उषा, उषा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। गलती? जुर्म और पाप को तो गलती का नाम दे रहा है। क्या मांगा था मैंने तुझसे? अरे तू तो मेरे बराबर खड़े होने के लायक नहीं था। और सच पूछो तो तेरे लिए मैंने अपना सारा कैरियर दांव पे लगा दिया था। तुझे तो मैंने जिम में ही मार दिया होता। लेकिन नहीं, मैं तुझे इसी जगह मारकर वो नजारा दिखाना चाहती हूँ जो तूने मेरे साथ किया था। और जो तूने मेरे साथ किया था मैं भी वही तेरे साथ करूंगी। नहीं नहीं उषा, उषा नहीं प्लीज। मैं तो बच गया, इसमें तो करंट ही नहीं है। उषा, उषा मुझे माफ कर दो उषा। नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो उषा। चीखो और चीखो, पर तूने तो मुझे चीखने तक का मौका ही नहीं दिया। ज्ञान जी, आपने मेरी मदद की, मुझे इंसाफ मिला। आपने राइटर से वही सीन लिखवाया और विशाल दत्त को इस सीन के लिए राजी किया। मैं अपने मकसद में कामयाब हुई। मेरा कातिल भी उसी मौत मरा जैसी मौत उसने मुझे दी थी। ज्ञान जी, मुझे मुक्ति मिल गई और अब आपका जो नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करने जा रही हूं। मेरी जो ट्रस्ट है आप उसके प्रेसिडेंट हैं और आपको उन रुपयों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का पूरा हक है। अच्छा, अब मैं आप सब लोगों से अलविदा लेती हूं। शुक्रिया। हाँ।
मेरा करियर बर्बाद हो गया। अब बतौर डायरेक्टर मुझे कोई काम नहीं देगा। यार विशाल तू क्यों टेंशन लेता है यार, और मैं हूं ना यार। देख मैं बहुत जल्दी तेरे लिए एक नवी फिल्म शुरू करूंगा, वादा है मेरा। हीरोइन तो हमारे पास है ही, निहारिका। अब जरूरत है तो एक नए हीरो की।